नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ शंकर मार्केट हनुमान मंदिर पे, जहाँ जो है तालाब के पास जो हनुमान मंदिर है, चौकी वीर हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर पे जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है महाभंडारे का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी संख्या में काफ़ी भीड़ है। ये पत्तल देखने से अंदाज़ा लग सकता है कि कितना बड़ा भंडारा था। आइए हम आगे चलते हैं और आपको भंडारे का भी दर्शन कराते हैं कि जहाँ जो लोग हैं भक्तगण आकर के हैं, किस तरह से जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये भंडारा जो है लगभग दोपहर जो है 12-1 बजे से चालू हुआ है और अभी भी निरंतर जो है करीबन 10 बजे के आसपास भंडारा चल रहा है। हज़ारों की संख्या में जो है क्षेत्र के लोग जो है इस महाभंडारे में जो है प्रसाद ग्रहण करने आए हुए हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये चौकी वीर हनुमान जी का मंदिर है जो शंकर मार्केट तालाब पे जो है स्थापित है। और जैसा कि लोग बताते हैं, इसी दिन जो है इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया था, उसी के कारण जो है हर वर्ष जो है इस मंदिर पे जो है महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। ये जैसा कि देख रहे हैं, जो आने जाने वाले जो श्रद्धालु और भक्तगण हैं उनके लिए काउंटर बनाया गया है, जहाँ जो जिसको जो मर्जी वो आता है और अपना जो है सहयोग जो है इस भंडारे में करता है। हम अंदर जो है हनुमान जी के दर्शन कराते हैं आपके। हनुमान जी, जैसा कि देखिए, अंदर में जो हनुमान जी विराजमान हैं। इसी हनुमान जी का मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया था आज के दिन। ये पहले काफ़ी छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था और बाद में जो है इसको क्षेत्रीय जनता के सहयोग से जो है इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करके जो है मंदिर का स्वरूप दिया गया। और उसी के तहत जो है हर वर्ष जो है इस मंदिर पे जो है महाभंडारे का आयोजन किया जाता है और भंडारे में हज़ारों की संख्या में लोग जो है, जयंत का एक तरह से कहा जाए तो जयंत का सबसे बड़ा भंडारा है और इस मंदिर पे सबसे बड़ा भंडारा होता है। 12-1 बजे से चालू होता है, 10-11-12 बजे तक चलते रहता है निरंतर और हज़ारों की संख्या में जो है लोग जो है इस भंडारे में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं। एक तरफ जो है पुरुषों के और लिए व्यवस्था है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था है और इसी तरह से जो है अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि किसी भी भक्तगण को प्रसाद ग्रहण करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये एक स्थली बनाई गई है, हवन कुंड बना हुआ है और इसमें जो है निरंतर जो है हवन के साथ जो है किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महाभंडारा चल रहा है, अभी निरंतर चलता रहेगा। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मैं हूँ राजकुमार सिंह और आप देख रहे थे BK न्यूज़।